किसान भाइयों, इस समय हम ठटिया मंडी में मौजूद हैं और समय काफी हो चुका है, कहीं ना कहीं 7 बजने वाले हैं। और अगर आज की हम आमद की बात करें तो आमद आज थोड़ी डाउन थी, क्योंकि आज दिन शनिवार है, शनिवार को मंडी ज्यादातर बंद रहती है दुकानें। और जो आज मंडी का जो अपडेट है, कहीं अपडेट के बारे में हमारे साथ कटियार साहब मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी बात करेंगे अपडेट के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें तो हम काफी देर से अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आलू की बिक्री है वो कहीं ना कहीं अभी भी दुकानों पे आलू रखा हुआ है सभी लोगों की, जो जितने भी हमारे आड़ती लोग हैं सभी लोगों के, कोई मेरे ख्याल से मंडी में आज सन्नाटा इस वजह से भी है कि कल का भी माल यहाँ पे पेंडिंग में थोड़ा बहुत था और व्यापारी की मात्रा भी बहुत कम है और आलू के भाव में बहुत बड़ी गिरावट जो है, कहीं ना कहीं जो सफेद आलू है वो कहीं ना कहीं 250 के आसपास बिक रहा है और कहीं ना लाल आलू जो है वो कहीं ना कहीं आज का अगर भाव बात करें तो हम 350 रुपए के यही कुछ रहा है। लेकिन अभी पूरे वीडियो में अभी 3 घंटे से वेट करते करते और लाइव बिक्री वीडियो में नहीं हुई है, तो आज के मंडी के अपडेट थोड़ी हम कटिहार साहब से जान लेते हैं और क्या आज का अपडेट था, क्या वजह रही, इन सब चीजों पे थोड़ी बात करते हैं। सर, जैसे कि आज मंडी की अगर देखा जाए बहुत सर खुश है, क्या लगता है, मतलब अगर बिक्री देखी जाए, मतलब मेन रीजन ये है कि मार्केट इतना ज्यादा टूट गया है तो व्यापारी की कमर टूट गई है। किसान तो माल लेके आया है लेकिन उसको लेने के लिए व्यापारी डर रहा है, तो मेन चीज बाजार के नीचे जाने की वजह से तो व्यापारी डर रहा है, तो इस कारण से बिक्री बहुत सुस्त है। और अच्छा सर, जैसे हर दुकानों पे मैंने देखा है कहीं ना कहीं जो आमद है, कहीं ना कहीं लाटे तो रखी, आलू रखा हुआ है, 2-3 वैरायटी सभी दुकानों पे है, लेकिन काफी देर होगी कोई बिक्री नहीं हो रही है। बिक्री ना होने का रीजन यही है ना कि व्यापारी लगातार घाटा खा रहा है और घाटा से बचने के लिए वो आलू नहीं खरीद रहा है, आलू नहीं, ये रीजन है इसका मेन। सर, आज का अगर भाव हम जानना चाहें तो आज का सर सफेद और लाल आलू का भाव, सफेद आलू की पोजीशन 250 रुपए से लेके 271 रुपए तक जी, और हाँ आज का, और अच्छे आलू का जी, और अच्छा लाल आलू जो है वो 300 से लेके 350 तक, 350 तक का ही है यार। बस ऊपर नहीं, यही रेट कल भी रहा था मेरे, नहीं नहीं कल यही रेट रहा, लेकिन आज इस रेट में भी लेने के लिए लोग मन नहीं बना रहे, आज मन नहीं बना रहे। और सर मेरे ख्याल से आज अगर पूरे मंडी में अगर मोटर 1-2 लोड हो जाए, कोई 1-2 आज की अगर जो बात, नहीं नहीं बात ये है कि माल तो लोड होगा, 1-2 गाड़ी तो बनी जाएगी, कल परसों कल के सौदा हुए पड़े हुए लोगों की वो लोडिंग चल रही है जी, लेकिन आज की डेट में लोग गाड़ी बनाने के मोड में नहीं है। सर, आज हम जैसे मंडी में जब आए थे 4-5 बजे के करीब में, तो सर सभी दुकानों पे कहीं ना कहीं हमें जो आलू की संख्या कहीं ना कहीं हर दुकानों पे मिली मुझे, कहीं ना कहीं किसी के पास 100 पैकेट थे, किसी के पास 50 पैकेट थे। सर, क्या कल का अपडेट क्या रहा था जो इतना माल होल्ड हो गया? कल एक्चुअली में ये हुआ कि खेतों में सौदे नहीं हुए जी, तो किसान ने शाम के टाइम पे टोटल माल क्षेत्र का लाके मंडी के अंदर डाल दिया, तो मंडी में क्या था कि व्यापारी इतना था नहीं जो पूरा माल सुलझ जाता, तो इस कारण से वो माल छूट गया है, वही कल वाला ही माल आज भी ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है जी, और आज नया माल नहीं कम से कम आया है, कम से कम शनिवार को, क्योंकि यहाँ मंडी में एक तरीके से छुट्टी का दिन रहता है, ज्यादातर दुकान बंद रहती है, इस कारण से ये माल जो है अभी देख रहे हैं व्यापारी भी नहीं है। कल के भाव में और आज के भाव में कोई फर्क तो नहीं है? नहीं नहीं, कल इतना डाउन बिका ही है कि आज उससे नीचे अभी कोई बेचने को तैयार भी नहीं है, मेन रीजन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो ये कहीं ना कहीं आज का मंडी का अपडेट था, जैसे कि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से पहले भी दिखा चुके हैं, इससे पहले जो आज की अपडेट थी वो कहीं ना कहीं जो मंडी में बहुत ही ज्यादा मंडी सुस्त थी, आज दिन था शनिवार, और हमारे हमें कटियार साहब ने बताया, पूरी जानकारी दी कि क्या वजह थी। वजह यही है कि व्यापारियों को लगातार लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है, लगातार घाटा वो खाते चले आ रहे हैं, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं वो कम कर रहे हैं, आलू खरीद नहीं रहे हैं, इसी वजह से आलू लगा हुआ है। आज दिन शनिवार है, हालांकि आज आमद बहुत कम है मंडी में, बहुत जल्द से जल्द बिक्री हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक बिक्री नहीं हुई है और सभी दुकानों पे कहीं ना कहीं आलू अभी भी रखा है, मेरे ख्याल से आज भी ये होल्ड होने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल में इतना ही, और वीडियो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, धन्यवाद।